नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता है बी का पेपर हुआ था 2020 में उसका पेपर मेरे पास आ चुका है मैं जितने भी जीके के क्वेश्चन है उन सारे के उत्तर आपको एकदम राइट और सही बताने वाला हूं आप ऐसा नहीं सोचना कि इसने लिखे आपको दिख रहा है ये पेपर है पार्ट भी है सैम्पल से वो ये पर्सन है एक भी पर्सन आगे पीछे नहीं है जैसा का जैसा पेपर था वैसा का वैसा पेपर है ये मैं आपके लिए अब जीके का बना रहा हूँ बाद में रीजनिंग का बनाऊंगा सिक्स न बिरुचि सभी जो चारों पार्ट है उनके बनाने वाला हूँ तो आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको क्लास में जो छोड़ो रीजनिंग का या अन्य किसी भी आंसर की छोड़ो तो आपको सबसे पहले मिल सके तो अभी मैं आपके लिए जीके की, की बता रहा हूँ आप देख लेना एकदम सो परसेंट राइट एंस है तो चलिए शुरू करते हैं एक नंबर जो है हमारा क्वेश्चन एक नंबर ने जो इक्वन नंबर क्वेश्चन है वैभवशाली कलात्मक नगरी चंद्रावती पर ग्यारह एवं बारहवीं शताब्दियों में किस वंश के शासकों ने शासन रहा तो वो रहा दोस्तों गुर्जर प्रत्यारों का जो ग्यारहवीं और बारहवीं शताब्दी में यहाँ पर जो वैभवशाली कलात्मक नगरी थी चंद्रावती उस पर किसका शासन का रहा था वो रहा था गुर्जर प्रत्यारों का दो नंबर क्वेश्चन है क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू पूजा जाता है तो ये है ग्राम देवता के रूप में जो क्षेत्रपाल है वो जो ग्रामीण लोग होते हैं वो अपने एक देवता के रूप में पूजे जाते हैं इनके मंदिर भी बहुत सारी जगहों पर बने हुए मेरे भी गाँव में इनका मंदिर बना हुआ है क्षेत्रपाल जी महाराज का निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्ववाद नहीं है तो ये नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से जो कौन सा वाद्य तंत्र वाद नहीं है तो फ्रेंड्स इसमें क्या है अलगोजा जो क्या यंत्र नहीं अलगोजा आपको पता है एक पुंगी जैसे होती है दो बांस से होती है उससे फूक बजाया जाता है तो ये तत्ववादी यंत्र नहीं है त्रेपन नंबर क्वेश्चन अगर आपने ए किया है तो आपका राइट क्वेश्चन जो ये है राइट होने वाला है क्वेश्चन चौपन नंबर है राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है फ्रेंड्स ये तो बहुत आसान क्वेश्चन आप रोज पढ़ते होंगे तो ये कौन सा है धौलपुर राजस्थान में ये जो ए है वो है धौलपुर राजस्थान में सबसे छोटा जिला है पिछले नंबर क्वेश्चन देखते हैं राजस्थान में विद्यालय एवं व्यापक शिक्षा योजना निर्माण क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षिक संगठन है तो आपको बता दूं डीआईटी डी आई ई टी डाइट जयपुर है आपको पता है आपके किताबों पर लिखा आता होगा जयपुर आप देख लेना कौन सी किताब पर देख लेना अगर आपको स्कूल बारहवीं या दसवीं की कोई भी किताब उठाकर देखेंगे तो उसके नीचे जयपुर लिखा है प्रकाशक जयपुर आपको मिलेगा तो अब देखते हैं ये हमारे क्वेश्चन कितने क्वेश्चन हो गए ये हमारे हो गए इक्यावन से पचपन तक अब हम छप्पन से देखते हैं फ्रेंड्स वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए पेपर लाया हूं थोड़ी देर तो हो गई है लेकिन आपके लिए ये जो क्वेश्चन है एकदम राइट क्वेश्चन है और ये के ये ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आए थे छप्पन नंबर क्वेश्चन आपका आया था कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्र चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है तो इसके अंदर सही क्वेश्चन होने वाला है महाराव उमेद उमेदी फेस्ट तो इसमें के अंदर डी अगर आपने किया है तो आपका एकदम सही क्वेश्चन है आपका सारे के सारे नंबर आपको मिलने वाली है तो पेपर वही है सेम टू सेम ये आपको दिख रहा है इधर इंग्लिश में इधर और हिंदी में मिला लिखा हुआ मिला आपको मिल रहा है तो ये आपने देख लिया हमने देख लिया महाराव उमेद सिंह सित्तावन नंबर क्वेश्चन देख हैं जयपुर के महाराजा स्वाई जय सिंह ने किन किन स्थानों पर वेदशालों का निर्माण करवाया था इसके अंदर दोस्तों बीस सही है इन्होंने जयपुर के अंदर करवाया था वाराणसी के अंदर करवाया था उज्जैन के अंदर करवाया था मथुरा के अंदर करवाया था और दिल्ली के अंदर वेदशालों का निर्माण करवाया था किसने स्वाई जय सिंह ने इक्यावन नंबर क्वेश्चन उसने भारतीय संसद में राजस्थान के कितने सदस्य तो चुने जाते हैं तो उसमें चुने जाते हैं पैंतीस सदस्य आप सोचेंगे यार पच्चीस ही सदस्य चुने जाते हैं वो गलत है लोकसभा के पच्चीस चुने जाते हैं और लोकसभा के पच्चीस और राज्यसभा के दस यानी कुल पैंतीस सदस्य संसद में चुने जाते हैं आपको संसद में पूछे जाते हैं तो आपने कुल जोड़ लीजिए लोकसभा के तो पच्चीस चुने जाते हैं और जो राज्यसभा है उसके दस सदस्य चुने जाते हैं तो टोटल पैंतीस सदस्य हो गए संसद में राजस्थान के राजस्थान में अठारह सौ की क्रांति का केंद्र कहाँ था तो वो था नसीराबाद आपको पता होगा बहुत ही आसान क्वेश्चन है और सरल क्वेश्चन है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदियों का सही युगम निम्न में से कौन सा है काली जवाई नई नई जवाई तो है लूनी नदी की सहायक नदी है माही एवं पार्वती माही अरब सागर की है लूनी एव चंबल लूनी अरब सागर की है काली सिंध और गंभीर ये सही है काली सिंध और गंभीर चंबल नदी की सहायक नदी है और चंबल नदी आपको पता है किसकी बंगाल की खाड़ी की है इकसठ नंबर है फल्कूभा संबंधित है तो किस ने जो फल्कू भाई है किस नृत्य से संबंधित है वो है चरिनत्य से तो ये क्वेश्चन आपके लिए आया था कुछ लोगों ने बहुत लोगों ने गलत किया है उन्होंने कहा कहने भवाई नृत्य कर दिया था तो फल्कूभा किस से संबंधित है वो है चरी नृत्य से तो ये हमने देख ली इकसठ क्वेश्चन आप बासठ नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ये देखिए बासठ नंबर क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ तो वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए अपने दोस्तों को शेयर कीजिए सबसे पहले आपके लिए मैं क्वेश्चन पेपर लेकर आ रहा हूँ कीर्ति कालीम्न में विजय स्तंभ स्थित है तो कीर्ति तो बार बार में, का में से स्थान से संबंधित ये रास्तापाल से संबंधित थे रास्तापाल में इनका जन्म हुआ था इन्होंने स्कूली शिक्षा के लिए अपनी जान देती थी अंग्रेजों से गोलियां खा ली थी और रास्तापाल के अंदर इनका मेला भी लगता है चौसठ नंबर क्वेश्चन है राजस्थान दो तो हजार ग्यारह की जनगणना के अनुसार हजार पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों संख्या का लिंगानुपात नौ सौ किन जिलों में फैला हुआ है तो ये उदयपुर और राजसमंद में फैला हुआ आपने जो राजसमंद के अंदर कुंभलगढ़ है कुंभलगढ़ से लेकर उदयपुर तक यह बोराट का पठार फैला हुआ है छियासठ नंबर क्वेश्चन है जनगणना दो हजार ग्यारह के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिलों के जोड़े में सबसे कम साक्ष से तदर है तो वो जालोर और सिरोई तो सबसे ज़्यादा किसके अंदर है वो है जालोर के अंदर और बाद में सिरोई जालोर के अंदर शायद चौपन पॉइंट कितने परसेंट है और बाद में सिरोई में, में पचपन पॉइंट है घग् नदी के किनारे बसा नगर कौन सा है हनुमानगढ़ रामगढ़ अजमेर जयपुर तो हनुमानगढ़ तो आपको पता है बसा हुआ है अजमेर नहीं बसा हुआ है जयपुर नहीं बसा हुआ है और ये जो रामगढ़ है ये है ये हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है ये शहर कहाँ बसा हुआ है घग्गर नदी के किनारे पर बसा हुआ है हनुमानगढ़ तो रामगढ़ बसा हुआ है तो इसलिए हनुमानगढ़ तो हो गया लेकिन हनुमानगढ़ के अंदर हमें पूछा है कौन सा बसा हुआ है तो वो है रामगढ़ 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान किस जिले की सर्वाधिक साक्षरता दर है तो ये मांगणियार एवं कलाकारों को प्रख्यात करने का शेखावत को किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी तो वो तेजाजी की पत्नी थी जो इनकी मृत्यु के बाद पीछे से सती हो गई थी इसके अंदर सी ऑप्शन सही होने वाला राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल माउट से लंबावित नहीं होती तो वो कपास है जो माउट से क्या नहीं होती लाभावी नहीं होती जला गीत स्त्रियों कब जाता? तो जी जला गीता होने वाला है वर्क की बरात का देखने जाने पर इसे जला या जलो जलाल या जलाल भी कहा जाता है इस गीत का राजस्थान का मंडावा कस्बा पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र प्रसिद्ध है तो वो किस लिए वह चित्र था वेलियों में भित्ती चित्रों के लिए प्रसिद्ध है मंडावा की गुलिसा की पांडुलिपि को चित्र करने वाला बलदेव की किस राजपुतानंद्रशैली से संबंधित था वो अलवर से संबंधित था नंबर क्वेश्चन देखते हैं भारतीय प्राचीन माला के लेखक कौन है गौरीशंकर ओझा तो ये जो भारतीय प्राचीन लिपिमाला एक पुस्तक है इसके लेखक कौन है वो गौरीशंकर ओझा इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है झमरकोटड़ा खनिप प्रसिद्ध है तो झमरकोटड़ा वो राोसोर्ट के लिए प्रसिद्ध है जो झमरकोटड़ा की खाने वो किस लिए प्रसिद्ध है रोक फोस बोर्ड के लिए रणखार के लेखक है तो जो रणखार पुस्तक इस है इसके लेखक कौन है जितेंद्र कुमार सोनी सोनीतर नंबर क्वेश्चन राजपुताना की अंतिम रियासत कौन सी थी जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता को स्वीकार किया तो वो सिरोही रियासत थी जिसने सबसे अंतिम में क्या, क्या था? कि में किया था राजपुताना की जो रियासत थी अंतिम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता को स्वीकार किया था अगला क्वेश्चन में से कौन एक लोक चित्र कला का उदाहरण नहीं है तो वो पथवारी है वो एक माता है राजस्थान के माता के रूप में फड़ में तो चित्र होते हैं है, 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 कालीबंगा का प्रथम उत्पन्न कौन था तो वो अमलानंद घोष था आपको यहाँ पर एक घोष दिया हुआ तो इसका सही आंसर क्या होगा एक घोष अगला क्वेश्चन है दरा वन्य जीव स्थित है तो ये दरा वन्य कोटा के अंदर स्थित है अगले सी नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो ये लीजिए मैंने आपके लिए बियासी नंबर भी क्वेश्चन ले आया हूं निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ सांझ सॉरी झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया, तो किया, जा? जा किया जाता है तो ये नामक वाद्य यंत्र किसके साथ किया जाए कच्छी घोड़ी नृत्य के साथ प्रयोग किया जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन वही है फ्रेंड्स एक भी क्वेश्चन अलग नहीं है वीडियो को लाइक कर दीजिए लाइक करना मत भूलिए सबसे पहले आपके लिए पूरा का पूरा सारे के सारे जीके के क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ एक भी क्वेश्चन आगे पीछे नहीं जैसा आपने किया था वैसा का वैसा मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ तो झांज वो किसके किस लोकवाद यंत्र में किया जाता है वह कच्छी घोड़ी नृत्य में किया जाता है कच्छी घोड़ी जब नृत्य किया जाता है तो उसमें झांझ का प्रयोग किया जाता है प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है तो वह जैसलमेर में जैसलमेर के अंदर ये जो प्रसिद्ध सागर अमर सागर जैन मंदिर वो है वो स्थित है जैसलमेर के अंदर ग्राम पंचायत का सचिव होता है तो ग्राम पंचायत का सचिव आपको पता है ग्राम सेवक होता है आपका पचासी नंबर क्वेश्चन आया था पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है तो उसके सभापति कौन है उसके सभापति है राजस्थान के राज्यपाल राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं से लगती है तो वो पांच से राज्यों से लगती है राजस्थान की सीमा पांच से राज्यों से मिलती है आपको पता है कौन कौन से पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश गुजरात तो ये पांच राज्य इनसे क्या लगती है इसकी सीमा लगती है राजस्थान के कौन से दो जिलों में जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से अधिक है तो वो है जयपुर और भरतपुर जयपुर के अंदर 540 व्यक्ति प्रति वर्ग और भरतपुर के अंदर 503 व्यक्ति प्रति वर्ग महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत के किन राज्यों का शासन था तो वो था फ्रेंड्स दास और खिलजी वंश का 88 नंबर क्वेश्चन के अंदर सही है तो अब आगे देखते हैं 89 प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सामोद महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है तो वो है जयपुर जयपुर के अंदर क्या है प्रसिद्ध सामोद महल क्या है स्थित है राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत के लगभग है तो वो है फ्रेंड दस परसेंट तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन नहीं दिया है तो इसलिए यहाँ पर होगा ग्यारह राजस्थान क्या है भारत के क्षेत्रफल का प्रतिशत है तो ग्यारह परसेंट आपका ए यहाँ पर सही होने वाला निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी तो है तो बीकानेर की एक सौ अड़सठ किलोमीटर है बीकानेर की सीमा पाकिस्तान से लगती है राज्य में आवास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति है तो राजस्थान आवास मंडल की स्थापना कब की गई तो वो की गई थी चौबीस फरवरी 1970 को राजस्थान में आवास मंडल की स्थापना की गई थी त्रेनवे नंबर क्वेश्चन आता है सूची एक को सूची बी से सम्मिलित कीजिए तो इसके अंदर आपका ए सही होने वाला है तो कर्णिदान है वो किसके किसके जो कर्णिदान के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है सूर्य प्रकाश दौलत विजय के द्वारा वो लिखे गए खुमान रासो फिर है पद्मनाभ के द्वारा कान प्रबंध और जगजीवन भट्ट के द्वारा तो इसके अंदर एक सही होने वाला कई लोग डी कर आए थे कंफ्यूज हो गए थे लेकिन इसकी इसके में नंबर क्वेश्चन के अंदर ए ही सही होने वाला है चौदवें नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा जो चौदह नंबर क्वेश्चन सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक था वो था गोकुल भाई भट्ट राजस्थान में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है तीस बहुत से लोग पैंतीस करके आए थे लेकिन इसके अंदर तीस सही होने वाला भील जनजाति राज्य के किस भाग में मुख्य निवास करती है तो वह दक्षिण भाग में राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा किस्म फसल संबंधित कपास से राजपुताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई थी तो फ्रेंड्स ये इटानवे नंबर उन्नीस सौ उन्नीस के अंदर हुई थी निम्नलिखित में से कौन जोधपुर राज्य का शासक नहीं था तो वो था अनूप से अनूप से जो था कहा का शासक था वो था बीकानेर रियासत का शासक था बीकानेर के जो राठौर के वहां का शासक था अनूप सिंह किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या एक अंदर जो संख्या बढ़ाकर दो कर दी गई थी, दी गई थी। तो फ्रेंड्स ये थी आपके एंसर की जीके की जीके के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सभी एकदम अगर आपने ये किए तो आपके एक में नंबर नहीं कटने वाला और आप देख लेना आपने कौन कौन से क्वेश्चन के ऊपर सही का आंसर लगाया और कौन सा आपका गलत हो गया है तो एकदम ये राइट आंसर की है पर्सन जो जो उत्तर था वो वैसा का वैसा का इसा आपका था। इस एक भी पूरी रात इनके उत्तर खोजे हैं मैंने सोचा कि अगर एक भी क्वेश्चन हो गए तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे और फिर उनको चिंता होने लगेगी अगर आपने ऐसे उत्तर किए तो आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली रीजनिंग की जब भी मैं की छोड़ू तो आपको सबसे पहले मिल सके तो ये पर्सन का जो प्रश्न पेपर है ऐसे का ऐसे ही आया था तो धन्यवाद दोस्तों जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद